साथियों, देश राजनीतिक स्थिरता को लेकर क्या सोच रहा है और इसके लिए भाजपा पर कितना विश्वास आज देश को है, उसका उदाहरण आज ही देश के सामने आया है। साउथ में, दक्षिण भारत में लोग कहते हैं जहां भाजपा कमजोर है, आज ही कर्नाटक में उपचुनाव के परिणाम आ रहे हैं। और इस उपचुनाव में कर्नाटक में वहां की जनता का द्रोह करने वालों का, जनता ने जो मैंडेट दिया था उसको पिछले दरवाजे से छीन लेने वालों को कर्नाटक की जनता ने आज ऐसा करारा प्रहार किया है, ऐसा करारा प्रहार किया है कि देश में इस प्रकार की राजनीति करने वालों को आज कर्नाटक के मतदाताओं ने लोकतांत्रिक तरीके से उनके मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। आज जो उपचुनाव थे उसके नतीजों से यह तय होने वाला था कि भाजपा की सरकार बचेगी या जाएगी। जनता ने चुनाव में भाजपा को सरकार बनाने के लिए मैंडेट दिया था, लेकिन कांग्रेस अपने पुरानी आदतों के अनुसार पर्दे के पीछे खेल कर करके भाजपा को सरकार बनाने नहीं दी थी, पिछले दरवाजे से चढ़ बैठे थे। लेकिन आज जब उपचुनावों के नतीजे आ रहे हैं तो जनता ने जम करके उनको सजा दी है। ज्यादातर सीटों पर भाजपा जीत हासिल कर रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। स्थिरता और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर विश्वास जताने के लिए मैं कर्नाटक की जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये 15 सीटें जिसका उपचुनाव चल रहा है, कई सीटें तो ऐसी है जहां पिछले 70 साल में पहले भाजपा कभी जीती नहीं थी, भाजपा के वेव में भी भाजपा नहीं जीती थी, लेकिन जनता को गद्दारी करने वालों पर इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि जहां हम 70 साल में कभी जीतते नहीं थे वहां भी जनता ने हमको जिता दिया, कमल खिला दिया। एक दो सीटें तो ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता बिल्कुल बूथ का काम करने वाले छोटे कार्यकर्ता उनको चुनाव में उतारा था और उन्होंने कांग्रेस के जेडीएस के बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा दिया, दोस्तों पराजित कर दिया। ये जनता ने किया है। विश्वासघात पे जनता का गुस्सा
फुट निकला है। ये तब हुआ है जब कांग्रेस ने वहां पूरा अपप्रचार किया है, लेकिन कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया है। साथियों, कर्नाटक में जो हुआ वो जनमत की भी जीत है, लोकतंत्र की भी जीत है। कर्नाटक के चुनाव के दौरान वहां की जनता ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए अपना मत दिया था। कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस और उसके साथियों की सरकार के दौरान भ्रष्टाचार और विकास योजनाओं के साथ लापरवाही, भ्रष्टाचार, बेईमानी जनता ने पिछली सरकार के कारोबार में देखा था, और इसलिए उन्होंने भाजपा को वोट देकर के पसंद किया था। लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर इस जनमत को धोखा दे दिया, जनता की पीठ पर छुरा बोंक दिया, पर्दे के पीछे सांठगांठ करके रातों रात कुर्सी पर चढ़ बैठे थे। जिस तरह से कांग्रेस ने पहले वहां धोखे से सरकार बनाई और फिर एक साल तक वो पूरा समय झगड़ाई करते रहे, बैठ तो गए, कोई और ना आ जाए इसके लिए तो जागरूक रहे, लेकिन जनता का भला कैसे हो ये उनका एजेंडा में ही नहीं आया। भाजपा को रोकने के लिए जिसको मुख्यमंत्री बनाया उसको भी सुबह शाम बंदूक दिखाई जाती थी बहुमत की, और दिल्ली के लिए ये करो, दिल्ली के लिए ये करो, दिल्ली के लिए वो करो, और वो बेचारे मुख्यमंत्री जनता जनार्दन के बीच जाकर के रोते थे, आंसू बहाते थे, गिड़गिड़ाते थे, किसी को कोई किडनैप कर जाए तो भी शायद जिसको किडनैप करते उसका इतना बुरा हाल नहीं करते जो उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री का भी कर दिया था। आज कांग्रेस के उन कारनामों का जवाब जनता जनार्दन ने कमल के निशान पर बटन दबा करके दे दिया है। अब आज कर्नाटक के लोगों ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि अब कांग्रेस या जेडीएस वहां के लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर पाए। ये पूरे देश के तमाम राज्यों के लिए संदेश है कि अगर कोई जनादेश के खिलाफ जाएगा, जनता का विश्वासघात करेगा, जनता के पीठ पे छुरा भोंकेगा तो पहला मौका मिलते ही जनता उसे पूरी सजा देगी। अब कर्नाटक में जोड़ तोड़ वाली नहीं, वहां की जनता ने आज मोहर लगा करके एक स्थिर और मजबूत सरकार को नई ताकत दे दी है।